हेलो ऑफिसर्स, गुड मॉर्निंग। मैं मयंक तोमर आप सभी लोगों का अपेक्स अड्डा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज जैसे आपको अपना टॉपिक दिख ही रहा होगा, ठीक है, बहुत लोगों के कन्फ्यूजन्स रहते हैं इन वर्ड्स में, तो टोटली आज हम डिस्कस करेंगे सब इन वर्ड, जैसे आपकी पॉसिबिलिटीज है, कैसे अप्लाई करते हैं पॉसिबिलिटीज को। आइदर और केस होगा, फ्यू होगा, ओनली, ए फ्यू, ओनली ए फ्यू, ईच, एवरी कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं मयंक तोमर अपेक्स अड्डा क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी मुझे देख पा रहे हैं वो अपेक्स अड्डा टेलीग्राम चैनल पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं सब पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा सब क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, आप वहां पर जुड़ जाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अच्छे कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। आपका कमेंट्स देखकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोगों से यही दुआ है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ आएंगे, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और बाकी कंटेंट मैं आपको अच्छा प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास पिलर्स हैं, उन पिलर्स को कल हमने डिस्कस किया था, क्या कि हमारे पास ऑल होगा तो उसके कैसे केसेस बनते हैं, सम होगा, सम नॉट होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, ऑल नॉट होगा। खैर, अब हम एक बात करते हैं बच्चों पॉसिबिलिटी की। आज एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है बच्चों? संभावना। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी संभावना है, मेरी पॉसिबिलिटी की आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको आप ऐसे समझाइए, आपने कोई एग्जाम दिया और आप उसमें सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आप सिलेक्ट हुए। तो आप जब सिलेक्ट हुए तो आपकी कोई पॉसिबिलिटी का चांस नहीं है कि आप सिलेक्शन हो, आपके सिलेक्ट होने की संभावना है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यू आर सिलेक्टेड। अगर आप रिजेक्ट हो गए तो मैं कहूँ आपके रिजेक्ट होने की संभावना है क्या? नहीं है। लेकिन आपके सिलेक्ट होने की संभावना और आपके रिजेक्ट होने की संभावना तब तक है बच्चों जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपका सिलेक्शन हो गया है, मतलब हमारे पास उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैन नोट से है। तो कल हमने बात की थी बच्चों, हमारे पास जो कंक्लूजन होते हैं तो उन कंक्लूजन में हमने तीन बात की थी, क्या? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। या तो कोई अपने आप में 100% राइट होगा बच्चों, या 100% रॉन्ग होगा, या बच्चों क्या होगा, कैन नॉट से होगा, ये कल हमने बात की थी। तो ये कंक्लूजन हम वहां से निकालेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और अब अगर इनके साथ एग्जामिनर क्या करता है बच्चों, पॉसिबिलिटी को ऐड करता है। क्या करता है बच्चों? पॉसिबिलिटी को सबके साथ ऐड करता है। तो जो हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा, जो हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा वो बच्चों क्या होगा, उसको समझिएगा। जैसे मेरा कोई रिजल्ट आया और मैं सिलेक्ट हो गया, एग्जाम मेरा सिलेक्शन हो गया, ओके, कि मेरा एग्जाम, जैसे मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया, मैं आईबीपीएस में सिलेक्ट हो गया, तो क्या मेरा अब आईबीपीएस पीओ में सिलेक्ट होने की संभावना है? नहीं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, 100% राइट है। और 100% राइट के बाद जब कोई चीज पॉसिबिलिटी लग जाती है तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। जैसे अब हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें लॉकडाउन है, ठीक है, 21 डेज का लॉकडाउन था, तो क्या 21 डेज का लॉकडाउन लगने की संभावना है? नहीं है। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली है, तो अब हम ऐसे अपने आप संभावना लगा रहे हैं कि शायद 14 डेज का लॉकडाउन बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही वो हमको एक स्पीच देंगे तो हम इसकी कोई पॉसिबिलिटी सारी की सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या कोई अपने आप में 100% रॉन्ग है और उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी लगा दी जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। हाँ, अगर हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर पार्ट, और उसके बाद पॉसिबिलिटी लगाई जाएगी तो वो 100% क्या होगा, राइट होगा। जैसे मैं कहूँ अभी लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है, हो सकता है बढ़ जाए, क्यों, सही है कि नहीं है, हमारा सिलेक्शन होने की संभावना है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हो जाए, बोलो हाँ, है ना। तो कहने का मतलब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी किसी के भी नहीं, आपको फंसना नहीं है। कहने का मतलब आपको जो भी कहा गया है 100% राइट है, आपने देखा उसका कंक्लूजन क्या है, आपने देखा उसका जो कंक्लूजन 100% रॉन्ग है, अगर उनके साथ पॉसिबिलिटी लगा दी गई है तो उनका जो फाइनल कंक्लूजन बनेगा वो 100% रॉन्ग बनेगा। अगर उसका कंक्लूजन कैन नोट से है और कैन नोट से के साथ पॉसिबिलिटी को ऐड किया जाएगा तो 100% क्या होगा, राइट होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जैसे कोई स्टेटमेंट दिया गया बच्चों, स्टेटमेंट है, मान लेते हैं सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड ऑल सी आर डी। कुछ कंक्लूजन दिए गए बच्चों, फर्स्ट, सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सेकंड, ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी,
सम बी कैन बी डी। एक और ले लेते हैं बच्चों, ऑल ए आर सी इज ए। चलिए एक नोट वाला भी ले लेते हैं बच्चों, कन्फ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं सर हमें कन्फ्यूजन होता है, ऑल ए आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो मैं आपको जस्ट कन्फ्यूजन जो कन्फ्यूजन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट कन्फ्यूजन क्या बच्चों, पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सम ए आर बी सम पार्ट ऑफ ए आर बी, सम बी आर सी सम पार्ट ऑफ बी आर सी एंड ऑल सी आर डी ऑल पार्ट ऑफ सी आर डी। तो डायग्राम बन रहा होगा बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट, सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। पहले हमको देखना है सम ए आर डी इसके बारे में क्या है, ये रहा ए ये रहा डी, दोनों को रिलेशन है क्या? तुम कहोगे नहीं है सर कैन नोट से, और कैन नोट से के साथ इसने क्या लगाया है पॉसिबिलिटी लगाई है, और हमें पता है केवल पॉसिबिलिटी कैन नोट से के साथ ही होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। इज दैट क्लियर? बड़ा आसान है। देखिए ऑल डी आर सी, देखिए बेटा डी और सी के बारे में क्या पता है, हमें पता है ऑल सी आर डी पूछा है क्या, ऑल डी आर सी, ऑल डी के बारे में तो हम बता ही नहीं सकते, यानी कि क्या होगा कैन नॉट से, और कैन नॉट से के साथ क्या है बच्चों पॉसिबिलिटी, तो राइट हुआ, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट क्या है, सम बी कैन बी डी, ऐसा जहां पे कैन होगा कैन बी होगा ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। सम बी कैन बी डी, अब देखिए ये बी है और ये डी है, देखो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये बी का भाग सी में भी है और ये बी का भाग डी में भी है, तो सम बी आर डी तो 100% क्या बच्चों राइट है, और 100% राइट के साथ क्या लगी है पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब फाइनल जो कंक्लूजन होगा क्या होगा रॉन्ग। बात समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए ऑल ए आर नॉट डी, ए और डी में कोई रिलेशन है ही नहीं, और जब हमारे पास कोई रिलेशन है ही नहीं तो आपसे चाहे इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हमेशा कैन नॉट से में जाने वाला होता है, और जब कैन नॉट से के साथ बच्चे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐड कर दिए तो 100% क्या हो जाता है राइट हो जाता है। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको पॉसिबिलिटी कंसेप्ट बताया, बड़े बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन आपके यहाँ कन्फ्यूजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले आप अपना जो भी आपके पास कन्फ्यूजन हो निकालिए, पॉसिबिलिटी ऐड कीजिए, अगर 100% राइट है या रॉन्ग है तो पॉसिबिलिटी लगती है रॉन्ग हो जाएगा, और अगर पॉसिबिलिटी कैन नॉट से है पॉसिबिलिटी लगे तो वो राइट हो जाएगा। तो ये बात रहेगी इसी बच्चों हमारे पास पॉसिबिलिटी। चलिए एक एक करके सब कंसेप्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम आइदर और केस की, आइदर और, हम आइदर और का मतलब समझो बच्चों क्या है, आइदर और का मतलब है या तो ये बात सही है या फिर ये बात सही है, बोलो हाँ है ना, ये दो ही दो बात होती है। चलो देखो तो कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाइए फटाफट, कंडीशंस फॉर ईदर और। अच्छा एक बात बताइएगा, जो अपने आप में 100% राइट है जो अपने आप में 100% रॉन्ग है, क्या हम उसके लिए बोल सकते हैं कि ये बात सही होगी कि गलत होगी? भाई जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत रहेगा, बोलो हाँ ना। तो यानी कि एक ही बात है, अगर कोई कैन नॉट से होगा तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। भाई कोई व्यक्ति जा रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, आपको पता है वो सही है तो सही होगा और आपको पता है वो गलत है तो गलत हो, तो आइदर का कोई मतलब ही नहीं होता, बोलो हाँ ना। तो देखिए इसी कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो कंक्लूजन है, जो क्या है कंक्लूजन है, देखिए कंक्लूजन क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो कैन नॉट से होगा। देखो सी एन एस का मतलब होगा बच्चों कैन नॉट से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कैन नॉट से होगा। सेकंड कंडीशन जो उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सर ये क्या होते हैं बता देते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ द बोथ स्टेटमेंट विल बी सेम, एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं यहां बच्चों लिखूं, एक स्टेटमेंट लिखता हूं सम ए आर बी, तो ए रिप्रेजेंट्स एज ए सब्जेक्ट एंड बी रिप्रेजेंट्स एज ए प्रेडिकेट। अगर मैंने बात किया सम ए आर बी, तो जहां हम आइदर और लगा रहे हैं उसमें भी ए और बी की बात होनी चाहिए, पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, पोजीशन विल बी इंटरचेंज, सम बी आर ए सम ए आर बी हो सकता है, लेकिन जिन जो हमारे पास वर्ड्स हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, वो आपके क्या होने चाहिए बच्चों सेम होने चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए नेगेटिव, और ये बात हम पहले सीख चुके हैं, बोलो हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया होगा, एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे लिखा हमारे पास सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है, और कंक्लूजन में लिखा है बच्चों, कंक्लूजन दिया गया फर्स्ट सम ए आर सी एंड सेकेंड सम ए आर नॉट सी, ऐसा कुछ लिखा है। देखिए ए और सी की बात कर रहे हैं बच्चों, ए और सी में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है सर, रिलेशन नहीं है तो क्या होगा बच्चों कैन नॉट से होगा, बोलो हाँ है ना। ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है तो कैन नॉट से, सब्जेक्ट क्या था ए, प्रेडिकेट क्या है सी, सब्जेक्ट क्या है ए, प्रेडिकेट क्या है सी, यानी सब्जेक्ट में प्रेडिकेट भी सेम हो गए,
सम ए आर सी ये पॉजिटिव बात कर रहा है, सम ए आर नोट सी नेगेटिव बात कर रहा है। तीनों कंडीशन लगेगी क्या? और जैसी तीनों कंडीशन लगेगी तो मैं क्या कह दूंगा, या तो ये पहला सही है या फिर ये दूसरा सही है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर होगी ना? बिल्कुल ठीक है। तो जब ये तीनों कंडीशन लगेगी तो वहां पर हम क्या लगा रहे होंगे, आइदर। लेकिन एक कंडीशन बच्चों ऐसी भी है तो जहां पर हम आइदर नहीं लगाते, भले तीनों कंडीशन आ जाए, कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो मैं एक बार लिखा देता हूं आपको। चलो उसको एक बार नोट कर लीजिएगा फटाफट। देखो मैं बहुत आपको बहुत बारीक बारीक चीज बता रहा हूँ, इन चीजों को कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना? बहुत बारीक बारीक चीजें लेके चल रही हैं, और जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला आपको कि सर मजा आ गया, ठीक है? चलिए देखो, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट सम में है और एक सम नोट में है, यानी कि नेगेटिव, एक ओल में है पॉजिटिव, एक सम नोट में है नेगेटिव, एक नो में है और एक सम में नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? तो इन्हीं में लगेगा। अगर आपको कहीं पे लिखा ओल ए आर सी और नो ए आर सी, जैसे हम इससे पहले जो हमने पहले डायग्राम बनाया था इस तरीके से, देखो ध्यान होगा आपको, मैंने यही तो बनाया था। अब देखो ए और सी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो कैन नोट सी होगा बच्चों, यहां भी कैन नोट सी होगा। ये ए सी ए सी, ठीक है, सब प्रेडिकेट सेम है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन आइदर और यहाँ पे नहीं लगेगा। जहां पे ओल और नो एक साथ आएंगे वहां पर कभी आइदर और नहीं लगेगा, वहां पे हमें से क्या बच्चों लगेगा, नाइदर नोर। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, 2019 एसबीआई ने ये देखा था, बच्चों ने देखा नहीं, और आइदर और यहां पर टिक कर दिया था, क्वेश्चन उनका गलत हो गया, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो सबसे डरावना वर्ड्स थे, ठीक है, ओनली, ओनली की बात करेंगे पहले। ओनली, ओनली होता क्या है? ओनली रिवर्स होता है ऑल का, ठीक है? जैसे मैं लिखूं यहां पर, समझिएगा बड़े आसान शब्दों में, मैं इसको लैंग्वेज में ना बता के आपको कंसेप्चुअल सिखाता हूं। देखिए लिखा हुआ है ओनली ए आर बी, आपको इसका लॉजिकल डायग्राम बनाना है, केवल ए बी है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना होता, जो ऑल आपका ओनली होता है इसको आप कन्वर्ट कीजिए ऑल में। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑल में। सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट विल बी इंटरचेंज, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को बदल दीजिए, ऑल बी आर ए, मतलब जो डायग्राम बनेगा आपका वो बनेगा ए वाला। अगर आपको कहीं ओनली ए आर बी लिखा है तो उसका डायग्राम क्या बन रहा होगा? ये, यानी कि ऑल बी आर ए। कोई डाउट है? कुछ है ओनली ए आर बी में? कुछ भी तो नहीं है, ठीक है? या अब आपका जैसे लिखा है, मान लेते हैं फ्यू ए आर बी, 20% ए आर बी, मिनिमम ए आर बी, मैक्सिमम ए आर बी, और लिख लेते हैं एट लीस्ट सम ए आर, इसकी बात करते हैं। ओनली को मैं हटा रहा हूं, ठीक, ओनली को मैं हटा देता हूं, इसे तरह से देखेंगे, टेंशन मत लो, तो डायग्राम में सिखा रहा हूं, ये आपको कुछ भी मिल जाए सबका डायग्राम बनेगा ये, ये सम पार्ट ऑफ ए आर बी, इसका डायग्राम सिर्फ ये बनेगा, इसके ज्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आया क्या? फ्यू ए आर बी, 20% ए आर बी, मिनिमम ए आर बी, मैक्सिमम ए आर बी, सबका डायग्राम आपका इस तरह से बने, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हो सकता है ए फ्यू भी दिया जाए, लिखा होगा ए फ्यू ए आर बी, तब भी इसका डायग्राम बन रहा होगा वो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया ओनली, मैंने आपको बता चुका है, एफयू में आपको बता चुका हूँ, 20% बता चुका हूँ। अब जो मेन चीज है कन्फ्यूजन वाली वो आती है, समझिएगा, अगर उसने बच्चों में यहाँ पे आपको दो तरीके समझाऊंगा क्वेश्चंस को, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफयू या फ्यू, कुछ भी हो सकता है ए आर बी, और यहां पर लिखा है ओनली एफयू ए आर, यहाँ पे ए फ्यू ए आर बी और ओनली ए, बस सिर्फ ये अंतर है साहब। इसको मैं रेड से कर देता हूँ, ठीक है, रेड मार्कर पता नहीं कहाँ है, ठीक है, चलो कोई नहीं, समझिएगा ओनली। अगर हम ए फ्यू ए आर बी की बात करेंगे तो ये बना। अब देखो इसने कहा ओनली, केवल ए फ्यू या फ्यू भी हो सकता है ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, तो यानी कि ये रहा ए और ये रहा बच्चों क्या बी, बस केवल कुछ पार्ट ए का बी है। ये भी एक बोल सकता था ओनली 20% ए आर बी, कुछ या
केवल 20% ए बी है, इसका मतलब 80% ए का भाग नहीं है बी में। और आपको पता है ये 20 हो चाहे 80 हो, सबको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सम में। मतलब मैं कह सकता हूं जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, ये नहीं होगा बी में। बात समझ आई क्या? यानी कि एक बात समझिए, बस ओनली लगते ही ओनली ए आर, ओनली ए फ्यू ए आर बी, या ओनली ए आर बी, या ओनली फ्यू ए आर बी लगते ही, जहां पे ओनली वर्ड लग गया तो समझ लीजिए कुछ ए का भाग बी में, कुछ बाकी का भाग नहीं है, मतलब आपस में अपोजिट है, खत्म बात। देखो अगर हमसे आप पूछता है, इसकी बात करता हूं मैं सिर्फ यहां पर कर लीजिए, अगर पूछता बताइए सम ए आर बी, हाँ जी बिल्कुल सही पूछता है सम ए आर नॉट बी, बच्चों बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल सही बात है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। उसने पूछा थर्ड बताइए सम बी आर ए, हाँ बिल्कुल सही बात है। उसने पूछा बताइए ऑल ए आर बी, बताओ क्या होगा, तुम लोग बताओ क्या होगा, कह रहे सारा सारा ए भाग बी है, 100% रॉन्ग है। आगे देखिए, अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा भाई ये बी का कुछ भाग तो, ए का कुछ भाग तो बी में है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बी का कुछ भाग भी ए में नहीं, ऐसा नहीं है। उसने पूछा हमसे जैसे सम बी आर नॉट ए, क्या होगा बच्चों, कैन नॉट से, उसने पूछा ऑल बी आर ए, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यानी कि कैन नॉट से। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे हाँ या ना, बात समझ में है क्या? तो बेटा कहने का मतलब ये, यहां पे ओनली ए फ्यू लग जाएगा तो ओनली ए फ्यू का मतलब है दो, मतलब ये पूरा गोला है, ये पूरा एक पार्ट है, उसने कहा ओनली ए फ्यू आर बी यानी कि ये पॉजिटिव है, तो यानी कि बचा हुआ अपने आप में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दैट्स इट। तो और जहां पे ओनली वर्ड नहीं है तो आप इसको मान इजीली इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं है, देख लीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ओनली वाला अभी क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस में सब मैं डाउट क्लियर कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। क्वेश्चंस आप टेलीग्राम को अपेक्स अड्डा पे जाइए, ए पी ई एक्स ए डबल डी ए, गैप नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी पे मैं आपको पूरी पीडीएफ डालने वाला हूँ अच्छे क्वेश्चंस की, जब रिवर्स सिलोग्स करेंगे तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो ओनली ए फ्यू का मतलब है आधा है तो आधा नहीं है, उसने कहा ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी यानी कि आधा, उसने बात इस बार नेगेटिव की कि कुछ ए का भाग बी नहीं है, इसका मतलब आधा है, That's it, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कंसेप्चुअल आप चीजों को सीखोगे ना तो आपको मजा आएगा सीखने में, ठीक है ना। तो इसलिए आप वहां पे आप इस चीज को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके ईच एंड एवरी कोड देख लेते हैं और एक क्वेश्चन इसका बनाते हैं। इंक जम गई है इसकी आज, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, इसके क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट। देखिए बच्चे अब हम यहां पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन, पहले इसको देखेंगे ईच ए आर बी को, देखो तो ईच हो या एवरी हो बच्चों, ईच हो या एवरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ही ओर होता है। क्या होता है इसका मतलब? ओर। ईच ए आर बी का जो डायग्राम बनाएंगे हम, बनाएंगे ये वाला, बस काम खत्म, बाकी कंसेप्ट हमारे से आता ही है। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है Only few A R B, only a few B R C, every C R D, डायग्राम बनाते हैं। Only a few A R B, यानी कि only a few R B, यानी कि सिर्फ ये भाग A का B में है और ये जो पार्ट है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, यानी कि ये पार्ट इसका होगा ही नहीं। फिर क्या कहा इसने, only a few B R C, यानी कि B का ये भाग C में होगा और जो B का बचा हुआ भाग है ये C में नहीं होगा, इतनी बात सही में आई क्या? और एवी सी आर डी, और पूरा का पूरा जो सी का भाग है वो क्या है, डी में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आया, ठीक है। क्या कहा गया पहला, सम बी आर ए, बिल्कुल ये रहा बी ये रहा ए, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है सम बी आर नॉट सी, बिल्कुल देखो ये रहा बी, बी का कुछ भाग सी में है, देखो लिखा ओनली इफ यू बी आर सी, यानी कि बचा हुआ पार्ट होगा सी होगा ही नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% राइट। फिर कहा है ओल्ड डी कैन बी सी, ओल्ड डी ये ओल्ड डी है, हमें दिया गया ओल्ड सी आर डी, पूछा ओल्ड डी कैन लगा है बच्चों, और मैंने बता रखा कैन किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बोलो हाँ या ना, और पॉसिबिलिटी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम डी आर नॉट ए, ये बेटा ए है, ये बच्चों डी है, और मेरे बच्चों
ए और डी में अगर हम देखें कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, कैन नॉट सी हो, कैन नॉट सी पर क्या लगी है पॉसिबिलिटी, तो ये 100% क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात सही में आई क्या? तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये सब कंसेप्ट मैंने आपको आज कराए हैं, फ्यू ए फ्यू ओनली ओनली ए फ्यू एट लीस्ट सम ईच एवरी सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक हवा है कुछ नहीं, बहुत बड़े आसानी के साथ करेंगे। जितनी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं उन पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, जब हम कल मिल रहे होंगे एटलीस्ट इसके 10 क्वेश्चंस हम करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपना प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रहिए और एक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और इसका आपको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका मोटिवेशन ही मुझे इतना अच्छा करने की, ठीक है, इतना अच्छा करने की मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।